आज एक ऐसे शख्स का जन्मदिन है, काफी लोगों का मानना है कि मॉडर्न इंडियन क्रिकेट टीम जहां पे है इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ हिम. सौरव गांगुली, ही इज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस. पर्सनली ही इज बीन एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम टिल डेट. मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो क्राइसिस को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं और क्राइसिस से निकलने का जो तरीका इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं. ओवर द ईयर्स आई हैव बीन लकी इनफ टू इंटरैक्ट विद हिम एट वेरी क्लोज क्वार्टर, सीन हिम वेरी क्लोजली, एंड ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. इतना कुछ सीखने को है. कपल ऑफ स्टोरीज फ्रॉम हिम रिगार्डिंग हिम. एक तो पहली बार जब मैं मिला था, एक्चुअली नॉट पहली बार, सेकंड टाइम, बिकॉज पहली बार जब मैं मिला था वे बैक इन 95, वी वेंट टू प्ले मोइनुद्दौला, अंडर 19 बंगाल टीम गई थी, और साथ में ही वाज द ओनली सीनियर पर्सन, डिड नॉट रियली इंटरेक्ट दैट मच. लेकिन फिर 2000, वो तब तक इंडिया कैप्टन बन चुके थे ऑब्वियसली, ड्रेसिंग रूम में इंडिया कैप्टन सौरव गांगुली, बिकॉज बंगाल इज एक्चुअली द लास्ट बंगाली हु प्लेड फॉर बंगाल रेगुलरली वॉज पंकज रॉय इन द 50s एंड ऑल. उसके बाद सौरव, बिकॉज बंगाल एंड क्रिकेट वर लाइक, नहीं फुटबॉल ठीक है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, बट क्रिकेट नॉट रियली. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो सिस्टम से निकला, इट वॉज इज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस. एंड पर्सनली हैड अ गुड गेम बिहाइंड द स्टम्प्स, दो तीन अच्छे कैच पकड़े थे डाइव लगा के, एंड आई स्टिल रिमेम्बर हिम सेइंग कि कीप वर्किंग हार्ड, यू आर नॉट टू फार, क्योंकि उस टाइम पे देवर काफी चेंजेस हो रहे थे एज फार एज स्पेशली कीपर्स आर कंसर्न. सो या आई मीन दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन सिटिंग विद हिम, जस्ट वॉचिंग हिम कैसे तैयारी कर रहे हैं ऑल दैट. एंड फिर आते हैं ड्यूरिंग ही वॉज कैप्टन एंड आई वॉज इन द टीम, एंड ही सो मेंटली स्ट्रांग, आई हैवन्ट सीन एनी वन एज स्ट्रांग एज हिम मेंटली. या तो 2002 की बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे सीरीज टेस्ट मैच था दिल्ली में, तो हम लोग होटल में मैच के पहले दिन, ईव ऑफ द मैच, वी सिटिंग एंड हम क्या करते हैं शाम को, ही लाइक्स हिज कप ऑफ टी, सो ही वुड से कम ओवर एंड ही वुड मेक टी एंड वी वुड हैव टी, और ऐसी बातें बातें करते हैं, तो बातें बातें करते करते एंड ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम, उतने ज्यादा रन बन नहीं रहे थे. सो अचानक ही सेड, यू नो वॉट, मुझे लगता है ये मेरा लास्ट मैच होगा. आई वॉज एब्सोल्युटली सरप्राइज. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, लास्ट मैच, यू कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, नहीं, रन नहीं अगर बनाए तो ये मेरा लास्ट मैच होगा. एंड आई वॉज स्टिल कन्विंस्ड, लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता, एंड आई कॉल हिम दादी, लाइक अ लॉट ऑफ अस बीन पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम विद हिम एंड ऑल. सो आई सेड दादी ऐसे कैसे होगा, यू आर कैप्टन, पहले अगर कुछ होगा तो कैप्टनसी. ही वॉज क्वाइट कन्विंस कि अगर मैं रन नहीं बनाऊंगा तो ये मेरा आखिरी मैच है. एंड गेस वॉट हैपन्स, नेक्स्ट डे ही गोज, एंड जिम्बाब्वे यूज टू बी अ गुड साइड देन, द फ्ला ब्रदर्स एंड एवरी वन, हीथ स्ट्रीक एंड ऑल दैट, स्ट्रैंग, पॉल स्ट्रैंग एंड ऑल, रियली आई मीन डिसेंटली गुड साइड, फेयरली गुड साइड. ही गोज आउट देर एंड गेट्स 100. एंड फिर शाम को मैं उनसे मिला, मैंने कहा आर यू हैप्पी नाउ, ही सेड या आई एम मोर देन हैप्पी, आई एम रिलीव्ड. एंड दिस इज वॉट ग्रेट्स आर मेड ऑफ, कि जब क्रंच सिचुएशन होता है, वेन द चिप्स आर डाउन, योर बैक इज टू द वॉल, यू नो हाउ टू रिएक्ट, एंड यू नो हाउ टू रिएक्ट द राइट वे, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, ऑल द प्रेशर एवरीथिंग साइड रख के जस्ट फोकस ऑन द जॉब, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ऐसे कई स्टोरीज हैं, आई एम श्योर आई गेट बैक विथ मोर स्टोरीज, डिफरेंट पीपल, ड्रेसिंग रूम विथ यू ऑल, होपफुली यू नो यू लाइक ऑल दीज छोटे छोटे स्निपेट्स एंड स्टोरीज, आई डेफिनेटली विल शेयर मोर विद यू. बट फिलहाल इतना ही, बट अगेन टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन टू विश सौरव गांगुली अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. ही इज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, आई होप ही कंटिन्यूज टू बी दैट फॉर ऑल ऑफ अस, मिलियंस ऑफ अस. एनी वेज, आपको अच्छा लगा होगा, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, एंड आई सी यू सून. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, एंड डोंट लेट योर गार्ड्स डाउन. बाय फॉर नाउ.